चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, इससे आपको न्यू ताजा अपडेट मिलते रहेंगे और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट पे विजिट करें। आप सभी को नए साल के हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आकाश और आप अपना चैनल देख रहे हैं सोशल मीडिया। आज मैं एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने 23 दिसंबर को रामलीला मैदान से कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि आप सभी मुझे कुछ दे सकते हैं क्या? तो उन्होंने हमसे मांगा है कि हम अपने मोहल्ले अपने घर को स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें। तो आज मैं भी एक मुहिम चलाना जा रहा हूँ, अपने मोहल्ले को स्वच्छ और स्वस्थ रखने जा रहा हूँ, जिसकी आज मैं शुभारम्भ कर रहा हूँ और मैं अपने कॉलोनी से शुरुआत करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक सर है, उनका नाम है तिलक शंकर जी। मैं उनसे मिलवाना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों से साफ सफाई अभियान और खुद का साफ सफाई कर रहे हैं, अपने मोहल्ले को अपने गली को साफ सफाई कर रहे हैं। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि इस गली में कैमरा करके दिखाई थी कितनी गंदगी है। और इस गली में सब एजुकेटेड और पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जहाँ पे पढ़े लिखने के बाद भी वो स्वच्छ और स्वच्छता के बारे में लगता है काफ़ी रहते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ मैं कि आप इस गली में आइए, ये एक नाला है, वो एक गली है, ये एक नाला है। ये नाले में अभी मकान बन रहा है, बट उस गली से ये नाले का रास्ता इतना साफ है कि इतनी साफ सफाई रखते हैं मैं बता नहीं सकता। तो कुछ दिनों बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ किस तरह से साफ सफाई रखी जाती है। तो मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ कि कैसे जो साफ सफाई अभियान काफ़ी दिनों से कर रहे हैं और उनका साफ सफाई के बारे में क्या राय है और क्या सोचते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आपका स्वागत है तिलक जी, आप काफ़ी दिनों से साफ सफाई का अभियान चला रहे हैं अपने मोहल्ले में और काफ़ी साफ सफाई भी रख रहे हैं। मैंने देखा है कि एक गली से एक नाले की गली काफ़ी साफ है और आपके कुछ फुटेज है, मैं दिखाना चाहूँगा कि इस फुटेज में किस तरह से साफ सफाई आप देख सकते हो ऊपर स्क्रीन पे कि ये किस तरह से साफ सफाई कर रहे हैं। और मैं काफ़ी दिनों से इनको देख के प्रेरित हो रहा हूँ कि साफ सफाई क्यों करना चाहिए। सफाई तो बहुत जरूरी है भाई, जीवन में सबसे पहले मुझे साफ सफाई है, सफाई का स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य की जीवन सीखी है। सफाई के लिए स्वयं की चर्चा और स्वयं की मेहनत अनिवार्य है। सफाई के दूसरे को निर्भर करना अपने आप को धोखा देने में है। इसलिए अपना स्वयं की मेहनत करो, स्वयं को पैसा लगाओ और परिवार को सुखी रखो। मैसेज वही कि सफाई करना बहुत ज़रूरी है, मंदिर में पूजा पाने पहले जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई पहले जरूरी है, अगरबत्ती से पहले झाड़ू ज़्यादा उपयुक्त है। मैं शंकर जी का काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो इस मुहिम को चला रहे हैं और खुद साफ सफाई कर रहे हैं और लोग, मैं चाहता हूँ कि शंकर द्वारा जो मोहल्ला वादी है वो भी इन्हें देख के सीखे कि किस तरह से साफ सफाई रखी जाती है अपने घर पे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस गली में सब कचरा फेंकते हैं, एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं, लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ दिखाना चाहूँ, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे में क्या फ़र्क होता है। पढ़े लिखे लोग गंदगी करते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो उसे रोज़ सुबह उठ के साफ सफाई करते हैं। तो मुझे ऐसी सोच पे काफ़ी तजुर्बा होता है कि ताजुब होता है कि जो पढ़े लिखे हैं वो गंदगी करते हैं और जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो साफ सफाई करते हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या फ़ायदा जो गंदगी करने में विधि रखते हैं? तो मुझे लगता है कि उनकी गंदगी तो उनकी सोच में है कि पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो गंदगी करते हैं और जरा भी नहीं सोचते हैं कि जहाँ लिखा हुआ रहता है कि यहाँ पे गंदगी करना मना है तब भी वो गंदगी करते हैं। तो ऐसे एजुकेटेड और ऐसे पढ़े लिखे होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी अपने मोहल्ले में अपने घर पे हैं और अपने देश के लिए साफ सफाई करेंगे और देश के प्रधानमंत्री ने जो मांगा है पूरा करेंगे। और आज मैं इस अभियान से जुड़ जा रहा हूँ और मैं अपने गरीब मोहल्ले को मैं साफ सफाई करने जा रहा हूँ।
सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच के सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के सांसों को खींच के, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना दम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को खींच के सांसों को खींच के, मुट्ठियों को खींच के सांसों को खींच के, सबसे टकराने को शिखर पर जाने को। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, कुछ करके जाऊंगा। सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा, खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा। सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच के सांसों को खींच के, मुट्ठियों